देखो मेरे प्यार प्यार व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और सर्दियाँ आ रही हैं, तकरीबन आ चुकी हुई हैं, रात को ठंड लगती है। तो आज की रेसिपी में लेके आई हूँ कॉफ़ी, बहुत ही मज़ेदार, अच्छी वाली मज़ेदार सी कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन को दबाएँ ताकि हर नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी के ले लिए हैं, ये वाले मैंने 2 चम्मच लिए हैं कॉफ़ी के, और 4 चम्मच चीनी के लिए हैं मैंने ये वाले, और ये मेरे पास 4 से 5 कप दूध है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बनेगी, आपने ज़रूर ट्राई करना इसको। तो अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी कॉफ़ी को इसमें ऐड करूंगी, फिर अब इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करती हूँ इस मग में, और 4 चम्मच चीनी मैं इसमें ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें कम से कम 4 चम्मच दूध की ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2, 3, 4। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, इसकी क्रीमी सी शेप बनाएंगे। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी दूध ऐड करने की मज़ीद, हम और दूध ऐड करेंगे। आप जैसे मैं बता रही हूँ, अपने ऐसे ही कॉफ़ी ज़रूर बनानी, ज़रूर ट्राई करना, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। इसकी बहुत क्रीमी शेप बनानी है। मैं इसको 5 मिनट अच्छे से इसको मिक्स करती हूँ, बहुत तेज़ी के साथ विप करना है इसको। जैसे क्रीम को विप करते हैं, इसी से हमें इसको विप करना है। तो 5 से 10 मिनट तक मैं इसको अच्छे से ऐसे विपिंग करूँगी इसकी। तब तक मैं दूध को उबालती हूँ, फुल क्रीमी दूध है ये हमारा। तो फिर मैं आपको 5 से 10 मिनट बाद इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। नाज़रीन, बिल्कुल काली, मतलब बहुत ब्लैक कलर था। इसको 10 से 15 मिनट इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आपने मिक्स करना है इसको। तो इसका ये कलर आ गया। हम मैं मज़ीद 10 से 15 मिनट और करूँगी, इसका और कलर आएगा, लाइट क्रीमी कलर, बहुत ही मज़े का लगेगा। अब मैं इसको मज़ीद ज़ोर ज़ोर से इसकी व्हिपिंग करती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर इसकी लुक दिखाऊँगी कि ये कैसा बना है। नाज़रीन, मैंने मज़ीद 5 मिनट इसको और मैंने किया, इसकी लुक आई है। अब मैं मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट इसकी व्हिपिंग करूँगी, जिसकी फाइनल लुक है वो आपको दिखाऊँगी। फिर हम अपनी कॉफ़ी रेडी करेंगे, बहुत ही मज़ेदार, चटपट सी, मज़ेदार से बने ली। ये व्हिपिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, जो हाथ के साथ बनाए, मशीन भी मिल जाती है, लेकिन मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये कॉफ़ी तैयार होगी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताइएगा। तो मैं इसको मज़ीद 15 मिनट इसको दूंगी, तो फिर हम अपनी कॉफ़ी रेडी करते हैं। ये देखिए हमारी फाइन लुक आ चुकी हुई है। इसको थोड़ा और भी करते हैं तो वाइट, ऑफ वाइट कलर आना था, ये थोड़ा डार्क है, लेकिन ये भी चलेगा। बहुत ही अच्छी कॉफ़ी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। अब मैं इसमें सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इसमें कॉफ़ी ऐड करती हूँ, फिर दूध ऐड करूँगी, फिर थोड़ी सी ऊपर कॉफ़ी ऐड करूँगी, क्रीम भी ऐड करूँगी, और ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है ये। इसमें कॉफ़ी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आप चाहे आप ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो आप ज़्यादा कॉफ़ी का यूज़ कर लें। इसमें जो अपना दूध को उबाला है उसको हम डाल देते हैं इस कप के अंदर, थोड़ा सा पहले डालेंगे, फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब हम इसके अंदर और दूध ऐड करेंगे। हम इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कॉफी ऐड करेंगे और मज़ीद। मैंने एक कप के अंदर क्रीम ऐड की और एक के अंदर नहीं की। ऊपर चॉकलेट भी स्प्रिंकल कर दिए। हमारी फाइनली तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई। आपने जरूर इसको ट्राई करना है और मुझे बताइएगा कैसा आपको लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हर आने नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब हम इस कॉफ़ी को इन्जॉय करते हैं, आप भी अपनाएं, आप भी इंजॉय करें। थैंक यू।